आज कई फ्रेंड्स कई सालों के बाद एक दूसरे के गले मिलकर गदगद हो गए तथा अपनी खुशियाँ जाहिर करते हुए कहा, बचपन का ये सुनहरा पल हमेशा ऐसा ही रहे। एक बार फिर हम छोटे होकर अपने उस यादगार पल को ताज़ा करें। ये कामना है कि ये परंपरा हमेशा याद रहे। मैं प्रमोद वर्मा, उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष। क्या है, क्या प्रोग्राम था आपका? आज फ्रेंडशिप डे के अवसर पर हम लोग ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांटा है, दोस्तों के बीच में एक प्यार बांधा है। जो दोस्त बड़े होकर बीच की तरह छाया देते हैं, आज जो एक दूसरे के गले मिलकर उन्होंने एक अपील किया कि हर वर्ष इस पर हम लोग मिले और फ्रेंडशिप के अवसर पर इस तरह हम लोग का एक प्यार और भाईचारा कायम रहे। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा संकल्प है कि हर लोग आज फ्रेंडशिप के अवसर पर एक दूसरे फ्रेंड को, जो पुराने फ्रेंड है, उनको फ्रेंडशिप बैंड बांधे और हम लोगों ने विश उनको वितरण किया है। विश जब बड़ा हो जाएगा तो वही छाया देगा, तभी हम लोग का दोस्तों का ताना बाना बना रहेगा। आप फ्रेंडशिप भी हर साल मनाते हैं? यस, हम लोग फ्रेंडशिप भी हर साल मनाते हैं और प्रयास भी करते हैं कि और लोगों से अपील भी करते हैं कि सब लोग मनाएं। अभी आपने कितने लोगों को फ्रेंडशिप? हमने अब तक कम से कम 400 के आसपास। आपने कितने लोगों? आज तो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कम से कम 100 लोग जुड़ गए हैं। और आगे प्रयास है कि उसको ज़्यादा बढ़ाया जाएगा।